बिजनेस फ्रेंड्स, तो फिर आज हम जो सर्कल में करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कि हम अपनी टेंजेंट लाइन को किस तरीके से जो स्पर्श रेखा रेखा होती है उससे दूरी निकालनी होती है उसकी, कभी कभी केंद्र से स्पर्श रेखा के बाह्य बिंदु की दूरी निकालनी होती है, कभी त्रिज्या निकालनी होती है। तो आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक अगला कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे सर्कल के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम अपने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सर्कल है, एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र ओ है और इसमें जो दिया हुआ है वो देखिए क्या क्या दे रखा है। इसमें ओ क्यू दिया है, ओ क्यू जो हम यहां देखेंगे ये है हमारा ओ और क्यू, इसकी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 12 और रेडियस, रेडियस मैंने बताया था केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, हमें निकालना है, हमें पी क्यू निकालना है, हमें पी क्यू निकालना है, ये दूरी निकालनी है। अब मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि त्रिज्या के साथ जो स्पर्श रेखा होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। रेडियस के साथ ये जो टेंजेंट लाइन है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। देखिए तो अब हम इसे यहां पर बनाते हैं, ये क्यू, ये ओ, ये पी, ये पी ये रहा, ये क्यू ये रहा, ये ओ ये रहा। हमें ओपी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। और ओ पी क्यू क्या निकाल रहे हैं, हमें निकाल दिए, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो क्या ये आधार, ये लंब और एक कर्ण नहीं हो गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं हो गया, सेम ही तो है। यहां पर भी 90 डिग्री बनता है, यहां पर भी 90 डिग्री है, वही चीज तो है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगती है। तो देखिए निकलेगा कैसे, मैंने बताया था बेस, या बोल सकते हैं यहां पे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, क्लियर। आई होप आपने ये उतार रखा हो, उतार लेना इसे, मैं बिठा रहा हूं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए तो ये जो आधार है, ये जो आधार है या बेस, वो कितनी है भाई, 5। तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर या लंब क्या है हमारा, पी क्यू, ये हमें पता नहीं, इसे निकालना है तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, केंद्र से बाह्य बिंदु तक की दूरी होती है, तो ये क्या होगी हमारी, ओ क्यू, और ये कितनी देर के, 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू स्क्वायर बराबर 124। 25 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर -25। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए बहुत आसान है घटाना, सबसे पहले 20 घटा दो, कितना बचा, 124। 124 में पहले फिर 4 घटाओ, कितना बचा, 120। 120 में 5 घटा दो, वो 1 घटा दो क्योंकि 1 बचेगा यहाँ, तो कितना हो गया, 119। 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 और 1 का 1, तो हमारा पी क्यू स्क्वायर कितना गया, 119। लेकिन निकालना तो मैं पी क्यू है, तो इसका क्या कर देंगे, रूट। तो पी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे अंडर रूट 119। ये पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये पहला और बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, मैं साइड जाता हूं, आप इसको ढंग से उतार लीजिएगा। तो बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसको कर दें। अब इसे देखना कैसे करना है, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन अब बार बार ना, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाकर आपको समझाया था, वो चीज आपको बार बार नहीं करनी, बार बार पेपर में नहीं लिखनी, ठीक है। पेपर में अगर उसको लिख कर करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, मैंने क्या बताया था, स्मार्ट वर्क करना है, टाइम ही तो हमको बचाना है, ठीक है, तो इसे डायरेक्ट करना होगा। अब मैंने बताया था कि जो रेडियस होती है किसका काम करती है, बेस का, तो यहां पर आप लिख सकते हैं रेडियस का स्क्वायर। अब ये
क्या होता है हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर कर्ण लंब। तो हम यहां लिख सकते हैं लंब को क्या लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर और हाइपोटेनस कर्ण कर्ण को क्या लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है सेम वही क्वेश्चन है बस खाली डेटा चेंज कर रखा है मैंने। इसमें मैंने जो हाइपोटेनस या जो बोल सकते हैं केंद्र से बाहर न्यूनतम की दूरी 25 कर दी है और इस पी क्यू की दूरी जो कर रखी है वो मैंने 24 कर रखी है। मेरे को आर निकालना है। ठीक है तो देखेंगे आर स्क्वायर चलो पी क्यू कितना दे रखा है मैंने 24 24 का स्क्वायर ओ क्यू कितना दे रखा है मैंने 25 25 का स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 25 का 600 ये प्लस का है उधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का। कितना बचा इसको भी घटा सकते हो आप ऑलरेडी वैसे आपका बचना चाहिए 49 किसके फैक्टर होते हैं 7 × 49 आर इसमें से एक आ रहा है इसमें से एक रूट इसमें से एक रूट दोनों साथ है तो कितने देंगे 7 यानी आपको जाएगा। ठीक है तो आपको बहुत इजीली करना है क्या करना है आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्या और फिर ये क्योंकि ये हमारे कर्ण का काम करता है ये हमारे परपेंडिकुलर या लंब का काम करता है ये हमारे बेस का काम करता है। ठीक है काम करता है क्या बिल्कुल सेम ही होता है वैसे। ठीक है अब देखिए हमने यही किया 24 का स्क्वायर क्लियर तो आई होप समझ में आया इसको उतार लीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको उसको क्वेश्चन को लेकिन घर से करना होगा। ठीक है उतार लीजिए तो ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है बोर्ड पर इसको आपको घर से करना है ये आपका होमवर्क है। ठीक है आपका होमवर्क करने के बाद इसको करने के बाद आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन क्या है सेम वही क्वेश्चन है इसमें OQ दे रखा है आपको OQ दे रखा है आपका जो OQ की दूरी है वो 30 है और OP OP दे रखी है आपको OP की दूरी 18 है 18 और आपको टेंजेंट स्पर्श रेखा PQ की लंबाई निकालनी है। ठीक है तो आप इसको देखिए आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब हम यहां से एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है अब मैं दिखाने वाला हूं आपको कोड कोड से हमें किस तरीके से क्या क्या सीखना है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है तो अभी हम कोड का बेसिक चालू करेंगे फिर हम आगे चलकर कोड और टेंजेंट ये दोनों क्वेश्चन एक साथ जोड़कर कैसे बनते हैं क्या हम इसमें कर सकते हैं और कैसे पेपर में आता है उन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके आप आराम से उतार लीजिएगा उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है उतार लीजिए तो चलिए अब हम कोड सीखेंगे व्रत की जीवा। ठीक है जीवा के बारे में देखेंगे तो देखिए ये एक व्रत है और मैंने जीवा जो होती है कोड जो होती है हमने उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कि परिधि सर्कमफेरेंसेस से लेकर सर्कमफेरेंसेस तक का जो डिस्टेंस होता है जो दूरी होती है परिधि से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं कोड बोलते हैं। ठीक है मान लीजिए ये क्यों हो गया ये क्यों हो गया। ठीक है अब इसमें हम देखेंगे आगे इसमें क्या होता है कि अगर ये केंद्र O है और मैंने O से कोई रेखा इस पर परपेंडिकुलर डाल दी लंब समुद्री भाजक कर दिया या इस पर लंब डाला तो जो लंब होगा मान लेता हूं इसने बिंदु E पर काटा तो इससे क्या होता है इससे PE की जो दूरी होगी वो EQ के बराबर होगी। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाएगा तो वह उसको दो बराबर भागों में बांटती है। अभी हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। देखिए मैं इसको इससे मिला हूं तो मैंने इसको इससे तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए तो मैं कहूंगा पहला त्रिभुज है पी ओ ई एंड जो दूसरा है जो दूसरा ट्रायंगल है वो है क्यू ओ ई क्लियर। अब देखिए ये जो ओपी है और ओ क्यू है इनकी दूरी तो बराबर है क्यों क्योंकि ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है तो ये क्या हो गई त्रिज्या तो हम कह सकते हैं
जो पी ओ है वो बराबर है ओ क्यू के। रीजन रेडियस है। क्लियर। अब दूसरी बात, अगर देखा जाए तो इसमें अगर ये 90 लंब डाला है हमने, इधर भी तो लंब हो 90, अगर इधर 90 बना रहा है तो इधर भी तो 90 होगा, क्योंकि अगर हम किसी पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इधर भी 90 और इधर भी 90 ही बनाता है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि पीई ओ एंगल पीई ओ ये वाला लंबा है तो ये वाला भी लंबा है, तो वो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो पीई ओ किसके बराबर होगा, क्यू ई ओ किसके बराबर होगा, क्यू ई ओ। क्यों? क्योंकि यहां पे लिख सकते हो ईच प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90। अब आगे देखते हैं, अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं, इस त्रिभुज में गौर से देखना, ये जो दिख रहा है आपको OE, ये इधर से भी आ रहा है, और अगर मैं इस त्रिभुज का ऐसे बनाऊंगा तो ये इधर से भी आ रहा है, तो ये एक ऐसी रेखा है, लाइन है, जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, इसका अर्थ OE इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि OE बराबर O कॉमन, इसको हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, रेडियस को तो आपको हिंदी में पता है त्रिज्या कहते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री और कॉमन उभयनिष्ठ। ठीक है, तो कितनी चीजें बराबर होगी, मैं तीन चीज बराबर होगी, तीन चीज बराबर होगी तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम। अब सर्वांग सम हो जाता है तो कोई भी हम तीन भाग बराबर करके बाकी के तीन भाग को हम लिख सकते हैं। ये सर्वांग सम हुआ किस नियम से, कॉन्ग्रुएंट हुआ किस से, साइड एंगल साइड, आप लिखेंगे साइड एंगल साइड। क्लियर। और हमें क्या करना था, हमें करना था पीई बराबर ई क्यू, कैसे, बाय सिक्स। समझ में आया। बाकी हम और भी चीजें अभी देखिए, हमने इसमें क्या बराबर किया, हमने इसमें ये वाला इसके बराबर किया, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कोण बनाएगा इसके बराबर है, लेकिन हम अभी पढ़ते रहे, हमें पढ़ ही रहे हैं कि अगर केंद्र से कोई भी लंब डाला जाए तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी केंद्र से दूरी खींची जाए और वो दो बराबर भागों में बांट रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और ये लंब होगा। आए ना, क्लियर। तो आई होप ये समझ में आया। चलिए ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है कि एबी एक जीवा है, कितनी दी है उसकी दूरी 16, मतलब एबी जो दूरी है वो 16 है, और सीडी सीडी भी एक जीवा है, उसकी जो दूरी है वो 12 है। ओई ओई कहां है, ये रहा, और ये कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, समय सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये पूरी 16 है, ठीक है, और ये पूरी 12 है, तो हमें इसमें जो निकालना है वो निकालना है ओ से आपके पी की दूरी, मतलब ओ पी आपको फाइंड आउट करना है, ये पी है। ठीक है, ओ पी की दूरी आपको निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे जो पिछला कॉन्सेप्ट समझा था हमने, कि जिसमें मैंने ये बताया था कि कोण जो है अगर परपेंडिकुलर डाला जाए सेंटर से तो वो उसको बाइसेक्ट करते, तो उसकी हेल्प लेकर हम किस तरीके से जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर ये पूरी 16 है तो ये बाइसेक्ट होती है, अगर ये 16 है तो ये कितनी होगी, 8। एक मिनट मार्कर दूसरा ले ले, ये कितनी होगी 8, और ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो इधर भी 6 सेंटीमीटर, और इधर भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से,
अगर मैं ए को ओ से मिला दू, ए को ओ से मिला तो मेरा एक ट्राइंगल तैयार हो रहा है, एक ट्राइंगल तैयार हो रहा है ए ई ओ। कौन सा ट्राइंगल तैयार हो रहा है? ए ई ओ। अब इस ट्राइंगल में ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये बेस या परपेंडिकुलर, आधार या लंब, या इसको आधार या इसको लंब, ये तो हमारे किसका काम करेगा? हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, हिंदी में बोले तो कर्ण का काम करेगा। क्लियर है? तो सिंपल है, ए का यहां पे लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर बराबर किसके होगा? ओ ए स्क्वायर। ए ई कितना है? 8। ये कितना है? 6। ये कितना है मेरा? ओ ए स्क्वायर। 8×8=64। ओ ए हमारी क्या है? वास्तव में हमारी रेडियस की है, तो हम इसको रेडियस का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, इसका टोटल करो 100 बराबर आर स्क्वायर, रूट करेंगे कितना आएगा? R=10। क्लियर? तो यहां से जो हमारी रेडियस निकल गई वो कितनी निकल गई? ये जो हमारी रेडियस निकल गई ये निकल गई हमारी 10 सेंटीमीटर। नहीं आता, लेकिन हमें निकालनी तो OP है। तो अब देखिए, अब इस O को इस C से मिला है, O को C से मिलाया, OC क्या है? केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी तो रेडियस है। अगर ये 10 तो ये भी कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर। और आपका सवाल एकदम सॉल्व नहीं हो गया। कैसे? अगर ये रेखा इस पर कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, हमें OP तो निकालनी है, मतलब आधार पता है, कर्ण पता है, लंबी तो निकालना है। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, कैसे? CP का स्क्वायर जमा OP का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर। CP कितनी है? 6। OP कितनी है? मुझे निकालनी है। OC कितनी है? OC मेरी 10 है। 10×9=100, 6×36 अगर मैं आगे करूं तो ये 10 जाके माइनस हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर 100-36, 100-36=64। तो अगर मैं OP पूछूं तो रूट कर देंगे 60, यहां पे आ जाएगा 64। कितना आया? OP आ गया मेरा 64.88, यहां पर आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां पे देखिए, एक बार दोबारा से बता देता हूं, 16 थी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता, हमें पता होना चाहिए, और ये क्यों करता है मैंने पहले भी समझा दिया आपको, एक बार पढ़ के ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, तो 16 थी 8 8, 16 थी 8 8, ये 6। हमने यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके रेडियस की दूरी निकाल ली, कितनी? 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर यहां पर ओसी भी क्या है हमारी रेडियस, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हुई। तो ये जो ट्राइंगल बना मेरा CPO, CPO में ये आधार ये लंब और एक कर्ण, इसको मैं पाइथागोरस में रखा और मेरी ओपी की जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई? 1। और इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है, आप अगर प्रीवियस ईयर उठाओगे तो सर्कल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये डिस्टेंस पूछ लेगा या फिर ये दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब हम चलेंगे ना, अब हम अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते चलेंगे। अब हम कल से कल 2-3 कॉन्सेप्ट करेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट को साथ में करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर हम साथ ही साथ में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन है, उनको धीरे धीरे उठा के करते चलेंगे। आप देखोगे जब एनसीईआरटी उठाओगे तो इन कॉन्सेप्ट की वजह से आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, जितना भी समझा है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हो, अपने जो भी थॉट्स हैं सब चीज मुझसे शेयर कीजिए। ठीक है, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, उसको ध्यान देखता हूँ, उसके रिगार्डिंग आपके रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। क्लियर? ओके, आप इसमें बता दीजिए। ठीक है, ओके, बाय।